हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम इवेलुएट करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू बी एक्स की पावर बी माइनस बी की पावर एक्स डिवाइड में हमें दिया है एक्स की पावर एक्स माइनस बी की पावर बी। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक्स को बी से अप्रोच करवाऊँ तो देखिए हमारे पास बी की पावर बी, एक्स की जगह बी रखेंगे हम तो बी की पावर बी और माइनस बी की पावर बी और डिवाइड में यहाँ पर b की पावर b और b की पावर b। ओके, तो b की पावर b 0/0 हो जाएगा ये तो। ओके, तो हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है यहाँ पर। 0/0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो देखिए इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैं एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करूँगा। ओके, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल। ओके, ये रूल क्या है देखिए, हमें लिमिट दी हो अगर एक्स टेंड टू ए और हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बाई जी एक्स। ओके, और हमारी फॉर्म बन रही हो यहाँ पर 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स बाई जी एक्स की जगह जी डैश एक्स। डैश का मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास एफ एक्स की जगह क्या है, एफ एक्स की जगह इस फंक्शन में हमारे पास ऊपर जो भी टर्म है, और एफ एक्स का अलग डिफरेंस एक्स की पावर बी माइनस बी की पावर एक्स। ओके, और जी एक्स का की जगह हमारे पास एक्स की पावर एक्स माइनस बी की पावर बी। ओके, तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले एफ डैश एक्स। ओके, देखिए यहाँ पर एक्स की पावर बी है, एफ एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो बी पावर आगे आ जाएगा। ये हम डिफरेंशिएट का फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स, अगर एक्स की पावर एन करना हो, इसका डिफरेंशिएट करना है हमें एक्स की पावर एन का, तो एन पावर आगे आ जाती है, पावर एन माइनस वन हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर बी पावर आगे आ जाएगी और एक्स की पावर बी माइनस वन हो जाएगा। ओके, और माइनस यहाँ पर हमारे पास बी की पावर एक्स है, तो बी की पावर एक्स का डिफरेंशिएट देखिए हम कैसे करेंगे। बी की पावर एक्स को मैं वाई इक्वल ले लेता हूँ, और अभी मैं लॉग ले लेता हूँ बोथ साइड, तो लॉग वाई इक्वल क्या होगा हमारे पास बी की पावर एक्स लॉग बी की पावर एक्स होगा। अभी मैं लॉग का एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, लॉग अगर m की पावर n हो तो पावर n आगे आ जाती है, और ये हमारे पास हो जाता है log m। इसी प्रकार यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी, तो log y इक्वल x x आगे आ जाएगा, और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा log b। अभी मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का क्या होगा 1/y, और फिर y log y का क्या होगा 1/y, फिर y का क्या होगा dy/dx, x का क्या होगा 1, और log भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है। ओके, तो देखिए y को इस साइड लेकर आएंगे हम dy/dx y इंटू log b। ओके, y की हमारी क्या वैल्यू है b की पावर x, तो ये b की पावर x और log b, ये हमारा डिफरेंशिएट है b की पावर x का। तो b की पावर x इंटू log b। ओके, ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अभी इसका डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर, देखिए सेम इसी प्रकार x की पावर x का होगा डिफरेंशिएट, यहाँ पर कर देता हूँ g x का डिफरेंशिएट करना है हमें, तो पहले हम x की पावर x का डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसे मैं y इक्वल लेट कर लेता हूँ x की पावर x को। अभी मैं log अप्लाई करूँगा बोथ साइड। ओके, तो log y इक्वल क्या हो जाएगा log x की पावर x हो जाएगा। अभी हम वापस यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर भी, तो x पावर आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा log x। ओके, तो ये log y इक्वल है, अभी मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, log y का क्या होगा 1/y, और फिर y का क्या होगा dy/dx इक्वल
देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा एक्स एज इट इज़, लोग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, वन अपॉन एक्स, ये मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ये सेकंड, ओके। प्लस लोग एक्स एज इट इज़, एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएट होगा वन, ओके। और ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वाई को इस साइड ले आकर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स की पावर एक्स वन प्लस लोग एक्स, ओके। यही हमारा डिफरेंशिएट है एक्स की पावर एक्स का, ये मैंने वाई को इस साइड लेकर यहाँ पर आ जाएगा वाई हमारा, और फिर वाई की वैल्यू क्या है एक्स की पावर एक्स, तो ये मैंने पुट कर दिया, ओके। तो हमारा एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या है, एक्स की पावर एक्स और वन प्लस लोग एक्स, यही है। और माइनस बी की पावर बी का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, जीरो, ओके। तो हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेन टू हमें क्या दी है बी, और एफ डैश एक्स की हमारी क्या वैल्यू है, बी इंटू एक्स की पावर बी माइनस वन और बी की पावर एक्स लोग बी, ओके। और डिवाइड में देखिए, डिवाइड में हमारे पास क्या है, एक्स की पावर एक्स वन प्लस लोग एक्स, ओके। हमारे पास अब हम एक्स को बी से अप्रोच करवा देते हैं, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर बी रख देता हूँ मैं, तो देखिए बी की पावर बी और इसकी पावर है बी माइनस वन, ओके। यहाँ पर बी की पावर क्या हो जाएगा, एक्स है, तो यहाँ पर बी रखेंगे और यहाँ पर लोग बी, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स की पावर एक्स है, तो यहाँ पर बी की पावर बी और वन प्लस लोग बी, ओके। अभी देखिए यहाँ पर b की पावर 1 है और यहाँ पर b की पावर b माइनस वन है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो b की पावर क्या बचेगा, b और माइनस b की पावर b, ओके। यहाँ पर log b और डिवाइड में यहाँ पर क्या है, b की पावर b वन प्लस log b, ओके। अभी हम यहाँ पर b की पावर b मैं कॉमन निकाल लेता हूँ ऊपर से, यहाँ पर देखिए b की पावर b को अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन माइनस लोग b, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, b की पावर b वन प्लस लोग b, ओके। तो ये b की पावर b कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल रहा है, वन माइनस लोग b डिवाइड बाय वन प्लस लोग b, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये लिमिट किसके इक्वल है, वन माइनस लोग बी के और डिवाइड बाय वन प्लस लोग बी के। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।